नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हरिश्चंद्र घाट पर दो पक्षों के बीच में जमकर हुई मारपीट, दो लोगों के ऊपर दर्ज हुआ मुकदमा। डीएस रिसर्च सेंटर द्वारा विश्व कैंसर दिवस पर हवन पूजन सहित संगोष्ठी हुई आयोजित। बीएचओ सिंहद्वार पर छात्रों ने सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासी समाज पर की गई टिप्पणी के विरोध में किया गया प्रदर्शन। और भाजपा महिला मोर्चा द्वारा स्मार्ट सिटी महिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। हरिश्चंद्र घाट पर डोम समाज और यादव सोनकर एवं मांझी समाज में जमकर ईंट पत्थर चले। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब दो पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर 2 बजे के करीब डोम समाज एवं यादव सोनकर व मांझी समाज के बीच जमकर 5 मिनट तक बवाल हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। मारपीट में एक युवक के सिर में चोट आई है जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। वहीं एक को मामूली चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पीड़ित पक्ष के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भेलूपुर एसएचओ विजय शुक्ला ने बताया कि मारपीट में दो लोगों को चोट आई है, एक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। वहीं दो लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएस रिसर्च सेंटर द्वारा विश्व कैंसर दिवस पर हवन पूजन सहित संगोष्ठी आयोजित की गई। विश्व कैंसर दिवस पर पूरे जनपद में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में पाणिनी कन्या इंटर कॉलेज में डीएस रिसर्च सेंटर द्वारा कैंसर मुक्त देश के संकल्प के साथ हवन पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंटर कॉलेज की बालिकाएं शामिल हुई। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन का कार्य पूर्ण कराया। इसके साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विनय त्रिपाठी ने कहा कि जब किसी को बीमारी का पता चलता है उनमें कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है, सभी बड़े बड़े सेंटर की तरफ भागते हैं। ऐसी स्थिति में बड़े सेंटर्स में एडवांस स्टेज के मरीजों की संख्या ज्यादा हो जाती है जबकि इलाज के बाद भी इनके क्योर की संभावना कम है। हमारा फोकस उन मरीजों पर ज्यादा होना चाहिए जिनमें बीमारी प्राइमरी लेवल पर है। इसके लिए सोच और तरीके में बदलाव की जरूरत है। जैसे ही लोगों को पता चले उन्हें शुरुआत में ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विशेषज्ञों ने बताया कि कैंसर के खतरे को कम करने के लिए संतुलित आहार बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही रोज एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। हर साल वर्ल्ड कैंसर डे की एक थीम चुनी जाती है। इस साल की थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। इस थीम की मदद से कैंसर के सभी मरीजों को आसानी से इलाज करवाने का मौका मिल सके, इस बात पर जोर दिया गया है। आज 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है और कैंसर बीमारी ऐसी है कि आजकल कब छोटे से लेके बड़े तक के हर अवस्था के बच्चों को, युवाओं को कब घेर लेती है अपने चपेट में पता नहीं पड़ता है। तो उससे हम कैसे सावधानी रख सकें और यदि हो तो उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, इसके लिए एक जन जागरण हो, इसके लिए अपने भाई विनय कुमार त्रिपाठी जी ने इस विद्यालय में इस कार्यक्रम को रखा। क्योंकि यहाँ पर ये कन्याएं हैं और कन्याएं यदि स्वस्थ रहेंगी तो आगे एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज का वो निर्माण कर सकेंगी। इसलिए उनको सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और यदि ये छोटी छोटी जानकारियाँ उनके पास हैं तो परिवार में यदि किसी को भी होता है तो वो उन्हें सचेत कर सकती हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि ज़्यादातर पता पड़ता है लास्ट स्टेज में, तो कैसे हम उनको पहले ही स्थितियों में समझ सकें और उसका निदान कर सकें, इसके लिए एक जागरूकता अभियान किया गया और उसका शुभारम्भ यहाँ पर यज्ञ, जो कि पर्यावरण शुद्धि
और शारीरिक शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वेदों के अनुसार, उसी से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। मैं डीएस रिसर्च सेंटर रविंद्रपुरी स्थित जो एक संस्था है जो कि प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर रोगियों की सेवा करती आ रही है 50 सालों से, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। आज विश्व कैंसर दिवस है और उस अवसर पर हम पाणिनि कन्या महाविद्यालय महमूरगंज में स्थित हैं। यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ योग की मंत्र शस्त्र शास्त्र सबकी शिक्षा दी जाती है यहाँ पे, और सुबह सुबह हमने कैंसर रोगियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक हवन का आयोजन किया जिसमें यहाँ की कन्याओं द्वारा मंत्रोच्चार के दौरान बहुत ही सुंदर हवन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग, डॉक्टर, डाइटिशियन, खेल की जगत से, स्कूल की जगत से, बॉडी बिल्डिंग की जगत से, सब लोग उसमें शामिल रहे। इसका मकसद यही था कि शरीर के साथ साथ मन भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, और उन लोगों ने हवन के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा आयोजन किया। उसके बाद एक छोटा सा सेमिनार सेशन हुआ जिसमें जो भी हमारे उपस्थित लोग थे उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए, कैंसर से दूरी, स्वास्थ्य के बारे में, खान पान, अच्छा रहन सहन, इन सब के बारे में एक विस्तार से चर्चा हुई। सेवापुरी दिलावलपुर कराई स्थित स्टेडियम में दौड़ प्रतियोगिता दिलावलपुर का आयोजन हुआ। सेवापुरी भीषमपुर दिलावलपुर स्थित श्री रामचरित मानस स्टेडियम में दौड़ प्रतियोगिता दिलावलपुर सीजन 9 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर बालक वर्ग में 5 किलोमीटर दौड़ और बालिका वर्ग में 3 किलोमीटर दौड़ आयोजित हुई। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया तथा उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से मुकेश सिंह, हिमांशु सिंह, सुधीर सिंह सहित काफी संख्या में खिलाड़ी शामिल रहे। हमारे वॉलंटियर अगर रेडी हैं, आ रहा